राजस्थान कांग्रेस कमेटी में प्रदेश भर में निकाली जा रही तिरंगा यात्रा को लेकर सवाल उठाए गए हैं। उनका आरोप है कि रैली के दौरान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का अपमान किया जा रहा है, जो गलत है। इस संबंध में सोमवार को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। भारतीय जनता पार्टी ने देशभक्त की भावना जगाने के लिए तिरंगा यात्रा की योजना बनाई थी। स्वतंत्रता दिवस के पहले ही कई जिलों में इसका आयोजन शुरू कर दिया गया। इस यात्रा में पार्टी के जन प्रतिनिधि और कार्यकर्ता शरीक हो रहे हैं, लेकिन तिरंगा यात्रा आरंभ हुए एक हफ्ते से अधिक गुजर जाने के बाद अब कांग्रेस को इसमें खामियां नजर आ रही हैं। जयपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रताप सिंह खाचरियावास, पूर्व सांसद महेश जोशी और तिरंगा सम्मान अभियान के संयोजक सुरेश मिश्रा ने यात्रा में नियमों के उल्लंघन के आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी 13 अगस्त से तिरंगा यात्रा निकाल रही है। इसका नेतृत्व केंद्रीय मंत्री राजबद्र सिंह राठौड़, प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी, मंत्री और विधायक कर रहे हैं, लेकिन इस यात्रा में नेशनल फ्लैग कोड के नियमों की पालना नहीं हो रही। हिंदुस्तान के संविधान के अनुसार तिरंगे का सम्मान होना चाहिए और तिरंगे के सम्मान को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप तिरंगा सम्मान यात्रा के नाम से तिरंगा यात्रा निकालते हैं, सम्मान गायब हो जाता है, नाम से तिरंगा यात्रा, और तिरंगे का इतना बड़ा है सम्मान, पाँव में तिरंगा गिर रहा है। हम सारे लोग राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा तिरंगा है उसका जिस प्रकार से जगह जगह अपमान करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नेताओं ने की है, इसको लेकर हम गवर्नर साहब से मिले हैं। इसी प्रकार से जितने भी विधायक सांसद की तिरंगा यात्रा में चल रहे हैं उसमें तिरंगे में कई पाँव को ले रखा है, किसने उसको भोगी बना के सामने ले रखा है, वो किस प्रकार से तिरंगे का अपमान कर रहा है, वो किस प्रकार से तिरंगे का अपमान कर रहा है, इस पूरी बात को संज्ञान लेते हुए हम लोगों ने आज माननीय महामहिम को पूरी बात बताई है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा कार्यकर्ता वाहनों पर झंडे को बांधकर यात्रा निकाल रहे हैं। इस दौरान तिरंगे को झुकाया और लटकाया जाता है। नेशनल फ्लैग कोड के अनुसार तिरंगे को किसी भी वाहन से बांधा नहीं जा सकता और ना ही इसे हरी झंडी दिखाने के उपयोग में लिया जा सकता है। इन सबसे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हो रहा है। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है।